हाय गाइस, आई एम निशांत जरा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी शॉ के बारे में। डी शॉ के बारे में क्यों बात करेंगे? बिकॉज डी शॉ ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा हायर करती है। मेरे कॉलेज से ऑफ कैंपस ही 12-13 लोगों को हायर कर लिया, तो समझ रहे मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं यार ऑफ कैंपस 12-13 लोग। सो और इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है ना भाई, ये 25 लाख बेस तक ऑफर करता है। सो पूरी डिटेल में तो मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कब कभी हायर करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है यार, बिफोर स्टार्टिंग 2-3 चीज़ें हैं, वो तुम कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो एज यूजुअल। ठीक है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो तुम 40,000 होने वाले हैं, ठीक है, जल्दी से 50,000 भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और यार कमेंट करके बताओ यार अब जो लाइटिंग वगैरह सेटअप वगैरह कैसा लग रहा है, क्योंकि कैमरा भी चेंज हो गया है, तो कुछ कैमरा चेंज करने के बाद क्वालिटी में अपडेट आया कि नहीं आया, ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड डी शॉ ओपी लिख देना अगर तुम और कुछ कमेंट करने को नहीं मिल रहा है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है यार, जो फर्स्ट चीज़ है, वाई शुड यू टारगेट डी शॉ इज CTC कंपनसेशन, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 18-25 बेस ऑफर करती है, इसके बारे में बताऊंगा डिटेल्स। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होता है सैलरी में और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑफ कैंपस काफ़ी ज़्यादा हायर करती है और ऑल अराउंड द ईयर ऑलमोस्ट कर ही रही होती है, बट स्पेसिफिकली जब करती है वो अभी आगे वीडियो में बताता हूँ किस टाइम करती है। और वर्क कल्चर इज़ रियली अमेजिंग। ठीक है, मेरे दोस्तों ने बताया है कि वर्क कल्चर इज़ रियली गुड, मेरे दोस्त अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यार, ऑफ कैंपस ड्राइव कब होती है? ऑफ कैंपस ड्राइव तुम्हारे इवन सेमेस्टर में होती है मोस्टली। ठीक है, जो तुम्हारे जनवरी फरवरी के अराउंड दे स्टार्ट लाइक मेलिंग पीपल, जो जिनको लगता है कि इनकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर तुम्हारे किसी भी दोस्त के पास आए तो उनसे मेल आईडी ले लेना और उस पर अपना रिज्यूमे वगैरह शेयर कर देना, फिर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और फिर टेस्ट वेस्ट होगा, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं और क्या होता है। और दूसरी चीज़ है यार, डी शॉ एसेंट एडुकेयर प्रोग्राम फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर गर्ल्स, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल फिर हुआ है। तो ये भी तुम्हारा जून जुलाई के अराउंड अभी चल रही है, इसकी डेडलाइन वगैरह तुम्हारी सितंबर में है। सारी डिटेल्स जो होंगे वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसके लिंक्स वगैरह तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, आगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये दो होते हैं यार। ठीक है, ऑन कैंपस ये फुल टाइम के लिए मतलब मोस्टली कॉलेज में नहीं हायर करते हैं, दे ओनली हायर ऑफ कैंपस। और दूसरी चीज़, ये PPO देते हैं, PPO के लिए यार ये इंटर्नशिप ऑन कैंपस हायर करते हैं, बस ऑफ कैंपस नहीं करते। तो तुम समझ रहे हो ये दोनों फंडे हैं। अब जिस चीज़ का तुम्हें सबसे ज़्यादा इंतजार था यार, CTC डिटेल्स, 3 कैटेगरीज हैं। पहला है तुम्हारा 18 बेस। ठीक है, 18 बेस के साथ तुम्हें 2 लाख ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, 10 लाख के ESOPs मिलते हैं और तुम्हें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 2-4 लाख के करीब। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल अप टू 35 हो जाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होंगी, वो कुछ अलाउंसेज वगैरह डाल देते हैं। उसके बाद ये जब मिलता है, जब तुम्हारे पास कोई और ऑफर नहीं है, बस तुम्हें डी शॉ का ऑफर मिल रहा है, तो ये ऑफर करते हैं। 22 बेस ये ऑफर करते हैं, CTC 40 पहुंच जाता है इसका, जब तुम्हारे पास कोई और कंपनी का कंपीटिंग ऑफर है, जो तुम्हें मतलब जो CTC है वो 35 के अराउंड दे रही है, 30 के अराउंड दे रही है, सो यू ज्वाइन डी शॉ, तो वो तुम्हें 22 देते हैं। और थर्ड जो 25 बेस है वो जब देते हैं कि तुम्हारे पास कंपीटिंग ऑफर तो थे ही एक दो, ठीक है, उसके साथ जो तुम्हारे इंटरव्यूज थे वो काफ़ी बढ़िया गए हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हारे कंप्यूटिंग ऑफर का बेस इज़ 2021 और वो चाहते हैं कि तुम उनकी कंपनी में ही आओ, देन दे ऑफर यू 25 बेस। तो ये सीन होता है। इंटर्नशिप स्टाइपेंड यार 1.5 लाख रुपीज़ होता है, जो बहुत ज़्यादा है इंटर्नशिप के हिसाब से। तो ठीक है, सो यार बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, देर इज अ मैसेज फ्रॉम टुडेज वीडियो स्पॉन्सर कोडिंग निंजाज। अब कोडिंग निंजाज को तुम नहीं जानते हो तो कोडिंग निंजाज इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अब यार सबसे पहले 20% ऑफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम स्किप करो उससे पहले, जाके वो जरूर ले लेना। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ कोर्स, 20% ऑफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यार जो यहाँ पे तुम्हारे टीचर्स हैं वो काफ़ी मस्त हैं। ठीक है, ये स्टैनफर्ड IIT से पास आउट एंड दे हैव वर्कड इन फेसबुक Amazon। और यार यहाँ पे जो तुम्हारा कोर्स तुम्हें मिलते हैं ना सारे, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। मैंने यहाँ से खुद C++ वाला कोर्स किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है मेरा तो खुद पर्सनली। उसके बाद यार यहाँ पे तुम्हें हिंट वीडियोस मिल जाती हैं, 200+ हिंट वीडियोस हैं तुम्हारे C++ वाले कोर्स में। उसके अलावा यार अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे तुम्हें अप्रोच करनी है, तो यहाँ पे तुम्हें TA सपोर्ट मिल जाता है, टीचिंग असिस्टेंट सपोर्ट। तुम डाउट्स पूछ सकते हो और तुम्हारे डाउट्स 2-3 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 30% के अराउंड तुम्हारा अर्ली बर्ड भी चलता रहता है कुछ कोर्सेज पे, वो भी जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। अब टेस्ट के लिए यार, टेस्ट काफ़ी मुश्किल आता है, जो फर्स्ट इसका डिफेंस वाला सिस्टम है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों क्वेश्चंस तुम्हारे होते हैं हार्ड। उसके अलावा यार तुम्हारे काफ़ी सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे तुम्हारे कोर सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस आते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि अगर तुम दोनों क्वेश्चंस पूरे करोगे तो ही आता है, क्योंकि हार्ड होते हैं, तुम समझ रहे हो, काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जितना तुम्हारा स्कोर बनता है ना,
उस हिसाब से तुम्हें इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आते हैं। तो अगर डी शॉ फोड़ना है तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तुम लोगों को। नेक्स्ट इज यार डी शॉ एसेंट एडुकेटर प्रोग्राम जो तुम्हारा है उसमें 50K स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। पूरी मेंटोरशिप प्रोग्राम टाइप है, इसके सारी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे, तुम पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे क्या क्या करना है, कब डेडलाइन वगैरह है, ठीक है। वो सब तुम अभी देख सकते हो पॉज करके। बाकी इसका जो तुम्हारा लिंक है, ठीक है, प्रोग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन जस्ट गो एंड अप्लाई। तुम्हारे पहले एक ऐसे वगैरह लिखना होता है, उसके बाद तुम्हें टेस्ट आएगा, टेस्ट के बाद में इंटरव्यूज आएंगे एंड थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट वर्थ इट है। नेक्स्ट इज यार इंटरव्यू तुम्हारा इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। ओनली 2 to 3 DS Algo वाले तुम्हारे राउंड्स होते हैं बट इसमें तुमसे सब पूछते हैं। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू DS Algo बट इसमें तुम्हारी कोर CS फंडामेंटल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स, तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रोजेक्ट्स में तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज कितनी है वो पूछी जाती है। तुम्हारे लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है भाई, ठीक है। मेरे दोस्तों से पाइथन के कोर बेसिक्स पूछ लिए थे भाई, जावास्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे थे। तो बस ये नहीं है कि तुम्हें ऊपर ऊपर से आता है, अच्छे से पूछते हैं। देन कम्स यार फुल टाइम इंटरव्यू राउंड। अब फुल टाइम इंटरव्यू राउंड में ये सीन होता है, पहले तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद तुम्हारा फर्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है। वो तुम्हारा फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है एक तरीके से, उसमें एक ही बंदा होता है, मतलब एक इंटरव्यूअर होता है। उसमें तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा, वो एक हैकर रैंक हैकर अर्थ वाले प्लेटफॉर्म पे होता है। उसमें तुम्हें सारे टेस्ट केसेस पास करने होते हैं कोड चला के। अगर टेस्ट केसेस पास नहीं हुए पूरे तो बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, बट अगर टेस्ट केसेस पास हो गए उसके बाद तुमसे यार काफ़ी और क्वेश्चंस पूछते हैं, SQL के, OS के, DBMS के, OOPS के, मतलब उसके बाद सब्जेक्ट्स पूछते हैं। अगर तुमने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं तो हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स इस वाले राउंड में ज़्यादा नहीं पूछते, आगे पूछते हैं। अगर यार ये तुम्हारा क्लियर हो जाता है तो एक दिन में दो और राउंड शेड्यूल होते हैं तुम्हारे, उसमें दो दो लोग होते हैं, ठीक है, दो इंटरव्यूअर्स एक साथ होते हैं, उसमें तुमसे सब कुछ पूछते हैं, दो एक से दो DSL के क्वेश्चंस पूछेंगे, बट वो तुम्हारे टेस्ट लेवल वाले नहीं होते, मीडियम, मोस्टली मीडियम क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे वो टेस्ट कर लिया उन्होंने। बट यहाँ पे तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो रहे होते हैं, तुम्हें नॉलेज कितनी है इन डेप्थ वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो रही होती हैं। फाइनली यार देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे हिसाब से। एक तुम्हारा जितने भाई एक कॉमन जो है जितने आर्काइव्स हो सकते हैं पढ़ लेना बिफोर योर इंटरव्यूज, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर वेल फॉर योर कोडिंग टेस्ट, क्योंकि कोडिंग टेस्ट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तुम्हें काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट देने पड़ेंगे। अच्छा तुम्हारा जब लेवल होगा जब भी अप्लाई करना है डी शॉ के लिए, क्योंकि अगर एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई इसके लिए, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना फिर अप्लाई कर देना। ये फरवरी के अराउंड इसकी ओपनिंग्स आती हैं, ठीक है। दोस्तों को मेल आएंगे, उनसे ईमेल आईडी लेनी है और अप्लाई कर देना है। और नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी यार तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि तुमने क्या किया है, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करें, कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ करें, क्यों करें हैं, इनके अल्टरनेटिव्स क्या आते हैं, तुम्हें चैलेंजेस तुमने क्या फेस किए, ये सारों के ना तुम्हारे पास एक आंसर होना चाहिए। अगर तुमने खुद बनाया तो यार इन सबका आंसर हो गई, अगर नहीं बनाया तो फिर भी मतलब ठीक है कर लेना। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। और एक और चीज़ यार SQL भी पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है, तुमसे SQL की क्वेरीज लिखवाएंगे, तो SQL पढ़ लेना इफ़ यू हैवंट स्टडीड SQL, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यार ठीक है, इतना ही था यार। ऑल द बेस्ट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट ही होने वाला है, और दुखी मत होना, ऑन कैंपस नहीं लगती, ऑफ कैंपस बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है, लग जाएगी तुम्हारी, बस पढ़ते रहो अच्छे से। और इतना ही था यार आज वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो जल्दी से 50K कंप्लीट करते हैं, फिर गिव अवे लाएंगे तुम्हारे लिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।